जाति प्रॉब्लम्स भी उससे आके डिस्कस करते हैं। गुस्सा भी बस बार दफा आता है, फिर डांट भी देती है, मगर ये कि बच्चे समझते हैं, आई ऑलवेज हैव अ वेरी गुड रैपो अपनी क्लास के साथ, तो कभी माइंड नहीं करती, कभी शिकायत नहीं। हाँ, ये मेरा क्लास में, पहली क्लास में मेरा होता है कि अगर कहीं कोई बात समझ नहीं आती मुझे वही रोक, मैं आगे नहीं जाऊंगी जब तक वो पॉइंट क्लियर ना हो। और ये बच्चे समझते हैं, मैं दो तो दफा, तीन की दफा भी मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात होती है। मैं एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ को भी तो देखती हैं, जो हमने पीरियड गुजारा उसमें एक चीज जो स्टूडेंट के लिए थोड़ी अनॉइंग हो जाती है, टीचर उसको शायद समझ में नहीं पाते, कि जो जनरेशन गैप होता है ना, वो ये समझते हैं कि जिस लेवल पे हमें एक्सपीरियंस है ना, जो हमें पता है, इनको भी वही बताना चाहिए, वो सब इतनी टफ टर्मिनोलॉजी बार दफा यूज कर रहे थे, बच्चे की समझ में आ नहीं रही होती, वो ब्लैंक बैठा रहता है। मैं जहाँ तक मैं किसी और के लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना, यकीनन होता होगा, लेकिन मैं जब पढ़ाती हूँ तो मेरी हमेशा ये सोच होती है कि मैंने अपने तजर्बे से उनको फायदा हो, बिल्कुल, लेकिन मैंने इधर से इधर आके इनकी समझ के मुताबिक इनको लेके साथ ऊपर जाना है। अगर मैं इधर रहूंगी और वो इधर रहेंगे तो फिर किस तरह वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा। तो अलहमदिल्ला ऐसा नहीं होता है, कम अज कम मेरे साथ नहीं। और ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट जो उनके साथ एक फ्रेंडली रवैया होता है ना, जो भी उन्हें मुश्किल है वो आराम से फिर टीचर का डिस्कस कर सके, यही एक तरीका होता है पढ़ाई का भी। अगर पढ़ाई में आगे बढ़ना है तरबियत के साथ तो यही तरीका, अगर रट्टा सिस्टम में चलना है, सिर्फ हजम करना है चीजों को तो और बात है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि अगर शहर में आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई फंक्शन एंजॉय करना चाहते हैं तो क्या क्या इवेंट्स हैं टुडे स्टाइल में। और आपका पहला इवेंट है जनाब म्यूजिकल नाइट है पीरूस कैफे में, आप एंजॉय कर सकते हैं, 7 बजे जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी म्यूजिक सुनने के और एंजॉय करने के बड़े शौकीन अफराद हैं जरूर जाए। और इसके बाद इवेंट 2 है जनाब, आपके पास फोर रिच बॉय लिव कंसर्ट है, ये बैंड का नाम है, फोर रिच बॉय लाइव कंसर्ट है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, टाइम है 8 बजे का, और द गिटार स्कूल DHA Phase 4 में, दोनों ही म्यूजिक के इवेंट है, जरूर जाइए और एंजॉय कीजिए। और हमें भी अपने फीडबैक पे आगाह कीजिएगा, यासमीन के साथ गपशप हुआ और आगे बढ़ाएंगे और भी इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि मीडिया के हवाले से क्या जो है हमें और भी ख्याल रखना चाहिए, कौन सी और लिमिटेशन है, कौन सी और रिसर्चेज हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है, और भी बातें करते हैं इस पर। अगर आप ब्रेक से वापसी से आपको बताएं कि ट्रैफिक जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, अंडर कंस्ट्रक्शन जहां एरियाज है वहां पर ना जाएं, वहां पर जाके ग्रेस करें, मुतबादर रास्ते तैयार करें ताकि आप जल्दी से पहुंच सकें जहां भी आपको जाना है। ट्रैफिक अपडेट आपको बता दी है, साथ ही यासमीन के साथ अपनी गपशप को थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में आगे बढ़ाते हैं। यासमीन, मसाइल जो है ना गिनते में कम नहीं होते, मतलब आपके तो उम्मीद खत्म हो जाती है मसाइल भी कम होते, हम और आप जितने मर्जी गिनते जाए ठीक है ना, लेकिन मसाइल पे बात बहुत कम करते हैं हम लोग, के भी हमारे पास बताया क्या है, हम मेहनत कहाँ कर सकते हैं, कहाँ से हम जो है ना वो अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं। अब तो पाकिस्तान के हवाले से हम रोज सुनते आते हैं, हमारे बच्चे बूढ़े जवान हर बंदा जो है वो ये कहते हैं हमें ये मसला है, हमारा वो मसला नहीं हल होता, हुकूमत ये कर रही है, अवाम इन मसाइल में कर रही है। आपको क्या लगता है कोई एक मसला क्या है जिसको सबको समझने की जरूरत है, सिर्फ एक मतलब हल्का नहीं, पूरी काम को कौन सा एक मसला समझने की जरूरत है? एक तो सबसे बड़ी चीज जो हमें समझनी चाहिए बजाय इसके कि खसूस फिर मैं मीडिया पे थोड़ा आ जाऊँ, अच्छा, क्योंकि वो हमारी हमारी फ्रेंड्स डेवलप करने में हाथ है, हमें जो एक्चुअल इश्यूज हैं हम उस पर फोकस करें, वो चस्का मस्का, ये मसाला खबरें, लेंगे ब्लेम गेम खेलना, इसकी बेइज्जती कर दी, उसकी पतली उतार दी, और ये लगता है कि खुद बड़े हो गए हैं। हाँ, ये जो चीजें हैं ये हमें कहीं लेके नहीं जाएंगी, हम एक दुनिया के लिए खुद अपना मजाक बना रहे हैं। हाँ, इन बातों से सही बात है, मेरे आर्टिकल छपते हैं बिल्कुल, आप आधार किया रिकॉर्ड बनाया तो, लेकिन वो अमूमन US में, फ्रांस के कुछ अखबार में और बाहर बड़ी नोटेबल साइट्स पे, अच्छा यहाँ पे छापा है, पाकिस्तान ऑब्जर्वर छाप कर रहा है, मेरे आगे डेली टाइम्स छाप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कम लगता है। ओके, मेरा हमेशा ये पेटी पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती कि ये ग्रुप अब उसके अगेंस्ट है, वो ग्रुप इसके, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ओके, आपके सवाल पे आते हैं कि इश्यूज क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली जाते हैं अपना आर्टिकल लेके तो दे आर इंटरेस्टेड ऑन अ बिगर स्केल, आप एक दरवाजा खोल के आपको बात कर रहे हैं, नहीं के मिनट की तरह बिल्कुल, तो क्या ड्रोन पॉलिसी भी हमारी कोई पॉलिसी है,
जो हमारी अभी मेट्रो सप्लाई लाइन का एक मसला चला हुआ है, बल्कि एक आपको मिशन हमें तो कितने ऐसे बात ये पता चलता है कुछ रिटर्न है ही नहीं, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी देखिए मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि एज द फाइनल एग्जाम जो मेरा क्लास मेरी खत्म हुई, चूंकि उसमें हम मीडिया की कवरेज की बहुत बात करते, फेयर था अनफेयर था, अच्छा हाउ टू बी डिटरमिन कि कोई पीस फेयर है या अनफेयर, रिसर्च यानी कि रिसर्च बेस्ड बहुत ज्यादा मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, क्योंकि देखिए एक रिसर्च जब तक आपकी नहीं है, फैक्ट्स पे आप बात नहीं करेंगे तो दाएं बाएं बातें तो सेंटर पर ही आती रहती है। तो मेरे बच्चों ने बहुत जबरदस्त सात ग्रुप से उन्होंने एक रिसर्च पेपर एंड फाइनल एग्जाम सबमिशन किया, अच्छा और उसमें ये मेट्रो सप्लाई लाइन की क्लोजर पे उन्होंने बात करी है 2011 नवंबर से लेके और मई 2012 तक। इट्स अ ब्यूटीफुल रिसर्च, एक बहुत नोटेबल साइट है जो रिसर्च का काम करती है, उन्होंने वो 250 सफों की रिसर्च पिक करी है और लगाई है। इसी मामले में मैं मेरे ब्लॉग्स हैं दो पासपोर्ट पूरी के नाम से, ओके ब्लॉग्स, और उसमें चूंकि आपको पता है कंप्यूटर बहुत पॉपुलर, बिल्कुल ऐसा ही है, अमूमी क्या है आपको अपनी यंग जनरेशन को लेके चलना ना आगे टेक्नोलॉजी के लिए, आप चाहते हैं उनके माइंड में पॉलिटिक्स के हवाले से मीडिया के हवाले से अच्छी सेंस डेवलप हो, तो यही है ब्लॉग। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि अक्सर अब बाजों का कोई इशू ब्लॉग मीडिया सोशल मीडिया उठा लेता है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बाद में उठाया है, ये हमने पीछे कुछ अरसे में एक दो इश्यूज में भी देखा है। तो उसमें मुझे ये बताया जाता है कि इसमें हाईएस्ट रीडरशिप करंटली मेरे इस ब्लॉग की पॉपुलरिटी चूकी है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ इतने सारे यकीन करें वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे तमाम तरह एनालिस्ट बहुत सारे एंकर्स भी काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइन जो है ना उसको चेंज होने की जरूरत है कि हम इश्यूज नॉन इश्यूज के दरमियान जो कर रहे हैं हमें पॉलिसीज की तरफ नोटिस करना चाहिए, उन पर बात करें वो बेहतर होंगी, तो ऑलमोस्ट आगे आगे आपके इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। और देखिए एक जो भी दौरे हुकूमत आया है, एक मैं जो चीज एज अ मीडिया पर्सन की के बाजू अकात हमारा मीडिया एक ऑपोजिशन का रोल अदा करना शुरू जाता है, जो भी हुकूमत आती है मीडिया में आप कहीं देखें दुनिया के वाइस नहीं चाहिए, मुझे पता ही नहीं होना चाहिए कि आयशा की फलाने मामले के बारे में क्या सोच, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इसी जमन में आई एम वर्किंग ऑन माई फर्स्ट बुक। अच्छा तो वो माशाल्लाह आपकी बुक तो हमारे थोड़ी सी दाल बहुत कहते, लेकिन पहले अपने व्यूअर्स को बता दें कि जनाब अगर खरीदारी आज कर रहे हैं तो बचत बाजार जो है वो आपको कहाँ कहाँ बचत दे रहा है। और खरीदारी के लिए जाने वाले अफराद सबको बता दें जनाब बचत आजकल सेल है, अभी सुपर सेल ऑन सुपर आउटफिट एटलेयर क्लब सेव अप टू 50% इन ऑल ब्रांचेस, इसके अलावा यस्टरडे की सेल भी चल रही है हमारी, अभी सेल अप टू 50% ऑफ है और हनी भी सेल अप टू 60% ऑफ है। ये तमाम हो गई सेल की बात है। मेट्रो में बताते हैं कि अगर आज आप जा रहे हैं तो मिचेल जैम जना 450 ग्राम रिटेल प्राइस है 115 रुपीज, प्रमोशन पे आपको अवेलेबल है सिर्फ 95 रुपए में। और मेट्रो पे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो नेस्ले आपको यहाँ पर नेस्ले सेरेलेक्स फ्रूट अवेलेबल है इन प्रमोशन प्राइस 239 में सिर्फ। और मेट्रो मेट्रो के नाम बुलाएं कि अगर आप हाइपर स्टार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर जनाब सिंगल 165 ग्राम रिटेल प्राइस है जिनकी 160 रुपीज यहाँ अवेलेबल है प्रमोशन पे इन 139 रुपीज ओनली। बचत बाजार में आपको तमाम कोई बातें हमें बता दी है कि रेट क्या रहे और कहाँ कहाँ आपको बचत मिल सकती है। इसके साथ ही कल जो आपसे आपकी राय में हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी जान लीजिए जनाब, कि आपसे पूछा गया था कि एलडीए की जानब से पार्किंग फीस में 50% इजाफे की मंजूरी काबिले मुजम्मत है या नहीं, तो आपकी तरफ से जनाब 73% लोगों का कहना है कि जी हाँ बिल्कुल काबिले मुजम्मत है, जबकि 27% लोगों का कहना है कि नहीं काबिले मुजम्मत नहीं है। फैसला आपका हमारे सामने आ गया है कि पार्किंग फीस के हवाले से आप क्या सोचते हैं, यकीनन ये बात एलडीए के हुकाम को भी पहुंचेगी और वो जो भी डिसीजन लेंगे डिसीजन को मानना तो बेटर।